हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं और ये है एक नए तरह का पैंडेमिक जो बहुत सारे देशों में और हमारे देश में भी फैलता जा रहा है और ये फैल रहा है यंगस्टर्स में, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में। आजकल एक तरह का फैशन हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पीने का, जिसे ये लोग अपनी फैशनेबल लैंग्वेज में वेपिंग कहते हैं। अब ये एक फैशन भी है और एक लत भी है। आजकल देखा गया है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में भी 10 से 15 साल के बीच के बच्चे भी अपने स्कूल के टाइम के बाद या जब भी उन्हें मौका मिलता है अपने पेरेंट्स से छुप छुपा कर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने का। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में भी निकोटिन ही यूज होता है, सिर्फ उसको बर्न करने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन ये भी वैसे ही हार्मफुल है जैसे कि सिगरेट्स हार्मफुल होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा पी जाती है, तो ये एक आजकल का सोशल रिक्वायरमेंट हो गई है बच्चों में। पेरेंट्स को इस बारे में जरूर अवेयर होना चाहिए कि उन्हें अपने 10 साल से बड़े बच्चों पे थोड़ा नजर रखना चाहिए कि कहीं वे भी वेपिंग तो नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि वेपिंग है तो एक स्मोकिंग ही, सो इसके मेन साइड इफेक्ट्स तो आते हैं बच्चों के लंग्स पे सबसे पहले, और फिर वहां से पहुंचते हुए ये उनके हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं और फिर ओवरऑल बॉडी को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। निकोटिन का इफेक्ट हमारे रोम रोम में पहुंचता है, बॉडी की सभी नसें निकोटिन जो हम स्मोक के थ्रू लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वेपिंग की वजह से होने वाले आई के नुकसान के। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूं तो हम देखते हैं कि आजकल बच्चों में ज्यादा वेपिंग करने के बाद तो बहुत जल्द ही आंखों के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है सब नॉर्मल विजन होना या विजन में ब्लरिंग आना शुरू हो जाना। और फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो बच्चों में उम्र से पहले ही सफेद मोतिया जिसे हम कैटरक कहते हैं उसका आ जाना। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि स्मोकिंग करने से वेपिंग करने से बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स ही हैं जो हमारी बॉडी में क्लियर लेंस को ओपेक बना सकते हैं। तो वो मोतियाबिंद जो बड़ी उम्र की बीमारी है जो आमतौर पे लोगों को 50 या 60 साल की उम्र के बाद होती है, वो फिर यदि बच्चा कई महीनों या सालों तक वेपिंग करता है तो उसमें भी होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा एक ड्रेडेड डिजीज है जिसे हम ग्लूकोमा या काला मोतिया कहते हैं, उसके होने के चांसेस भी यदि बच्चा वेपिंग करता है तो उसमें ज्यादा हो जाते हैं। और ये सभी बीमारियां होने के साथ साथ एक और एज रिलेटेड बीमारी है जिसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से और एज की वजह से लेट एज में 60s-70s की एज में होती है। लेकिन बच्चा अगर लंबे समय तक वेपिंग कर रहा है यानी कि स्मोकिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, तो फिर उसमें ये यंग एज में भी हो सकती है। ग्लूकोमा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन से होने वाली जो विजन लॉस है वो परमानेंट होता है, उसमें कोई रिकवरी नहीं हो पाती है। सो ये जरूर देखें कि उनके लंग्स, उनकी हार्ट, उनकी आई हेल्थ के अलावा पूरी बॉडी के ही हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को वेपिंग से दूर रहने की सलाह दें, उनसे मैच्योर पेरेंट्स की तरह बैठ के आमने सामने बैठ के डिटेल में इस बारे में डिस्कस करें, चाहे तो उन्हें ये वीडियो भी दिखाएं और थोड़ा सा उन पर नजर भी रखें कि क्या वो आपसे छुपके वेपिंग तो नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप एज ए पेरेंट आपके लिए ये टॉपिक बहुत यूजफुल रहा होगा और थोड़ा भी अगर आप नजर रखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ बच्चे तो जो हमारी नजरों से बच जाते हैं और वेपिंग कर रहे हैं, यदि वो पकड़ में आते हैं और उन्हें हम समझाते हैं कि वो ये ना करें तो शायद कुछ बच्चों के लिए ये हेल्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बन पाएगा।
Thank you, viewers. Thank you for listening to this talk. We'll be coming up with more socially relevant talks in future.